हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में बर्थडे की डेकोरेशन दिखाने वाली हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे इस डेकोरेशन में इस बॉक्स का क्या काम है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली घर पर ना नया एसी आया और मुझे दिखा ये बड़ा सा बॉक्स, तो जब भी मैं कार्डबोर्ड के बॉक्स देखती हूँ तो माइंड में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, और इतने बड़े बॉक्स तो बहुत कम मिलते हैं घर में। तो ऐसे इस बॉक्स को देखकर भी एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक बिग साइज नंबर बनाऊं। एक्चुअली मेरी नीस का बर्थडे आ रहा था तो सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ DIY बनाते हैं उसके बर्थडे पार्टी के लिए, 16th बर्थडे जो है। ये मैं बना रही हूँ बड़ा सा 16 नंबर उसके 16th बर्थडे के लिए। नंबर मैंने कार्डबोर्ड से कट कर लिया है और उसको मैंने कवर किया है वाइट कलर के चार्ट पेपर से। इसको मैंने फेविकोल से स्टिक कर दिया। ये मैं कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ जो कि नंबर के साइड में लगेंगी, और इनकी विड्थ 2 इंच मैंने रखी है। स्ट्रिप्स को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है जिससे कि कार्डबोर्ड वहाँ से ईजिली टर्न हो सके, तो जैसे 6 नंबर में जो सर्कल शेप है वहाँ पर वो बहुत ईजिली लग जाएगा। इन स्ट्रिप्स को मैंने हॉट ग्लू से स्टिक किया है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी स्टिक भी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है। से मैंने नंबर की साइड बना ली हैं और इनको मैं कवर करूंगी वाइट कलर के चार्ट पेपर से जिससे पूरी तरह वाइट दिखाई दे। साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा था, थोड़ा लाइन जैसा, तो उसके लिए मैंने पेपर टेप यूज़ किया है, उससे थोड़ा अलग लुक भी आ रहा है तो मुझे अच्छा लगा। अब मैं इसमें लाइट्स यूज़ करने वाली हूँ। ये लाइट मुझे घर में ही मिल गई क्योंकि मोस्टली ये ऐसी लाइट्स दिवाली पे ही यूज़ होती हैं, बाकी टाइम तो रखी रहती हैं, तो उसी में से मैंने वाइट लाइट ढूँढी और वही मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने होल्स कर लिए हैं इसमें नंबर में, और इसी में वो उनकी जो LED बल्ब्स होते हैं वही मैं उसमें लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसमें LED लगा दी हैं और ये एक होल में 3 से 4 LED आ गई, और पीछे से जो वायर था उसको मैंने टेप से कवर कर दिया जिससे वो मूव ना हो। तो ये इस तरह से दिख रहा था। अब इसमें मुझे बल्ब का लुक देना था इसलिए मैंने इस पर ट्रांसपेरेंट जो आइसक्रीम के कप्स आते हैं वो मैंने लगाए। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है, तो देखने में बल्ब जैसा ही लुक दे रहा था दूर से। अब ये रेडी है और ये इसका फाइनल लुक, तो लग रहे हैं ना बल्ब जैसे।
और ये देखिए कम लाइट में इस तरह से बिल्कुल बल्ब का लुक आ रहा है। बर्थडे नंबर तो रेडी है, अब मैं बना रही हूँ बर्थडे बैनर जो कि बैकग्राउंड डेकोरेशन में यूज़ होगा। तो मैंने इसके लिए ग्लिटर शीट ली है और उस पर हैप्पी बर्थडे मैंने लेटर्स कट किए। ये इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 15-20 मिनट्स लगे मुझे बना के कट करने में। बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए मैं भी फ्रेंच कर्टन ही लेके आई हूँ। ये एक तो ईजिली अवेलेबल होते हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं, बस मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने वाली हूँ। सो ऐसा मैंने कुछ सोचा है कि मैं इनको कट करके लगाऊंगी। फ्रिंज कर्टन के साथ ही मैंने क्रीप पेपर की भी शीट ली है, इसका भी मैं फ्रिंजेस कट करके पूरे बैकग्राउंड में लगाऊंगी। तो उसी से मैं कुछ नया लुक देना चाह रही हूँ, तो आप देखिए कुछ अलग सा लुक आया या नहीं। क्रेप पेपर की फ्रिंज कट करके ये पेपर वॉल पे लगा दिया है बैकग्राउंड में और मैंने इसकी दो लेयर बनाई है। अब मैं इस पर लगाने वाली हूँ फॉइल वाले फ्रिंज कर्टन। पेपर की फ्रिंज तो ईजिली लग गई, बट फॉइल वाला कर्टन लगाना इतना ईजी नहीं था जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे हाफ हाफ कर्टन लगाना था, नीचे केवल नीचे नीचे लगाना था, इसलिए मैंने पूरे कर्टन को फैलाया और हाफ कर्टन में सेलो टेप लगाई और उस वहाँ से उसको कट किया और फिर इसको लगाया। इस तरह से मैंने एक कर्टन को ही हाफ कट करके पूरी वॉल पर लगाया। इसी तरह मैंने पूरे बैकग्राउंड में क्रेप पेपर की फ्रिंजेस कट करके लगाई और उसके ऊपर लगाए फॉइल कर्टन। मैं बैकग्राउंड बना रही थी और बच्चे बना रहे थे बलून्स का लैंड। फ्रिंज कर्टन, बलून्स गार्लैंड, बर्थडे बैनर और 16 नंबर। सो ये था फाइनल लुक डेकोरेशन का। और ये था बर्थडे केक जो वाइट बनने वाला था पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्लू बन गया। खैर, सो फ्रेंड्स बताइए डेकोरेशन आपको कैसी लगी। आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद आए हों। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगे, क्या आइडियाज़ आपको पसंद आया, क्या आपको ठीक नहीं लगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।